तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं, साथ ही में जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उन्हें कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देना पड़ता है ताकि आपको कम फीस देना पड़े, उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एडमिशन के दौरान। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस आपकी 10th की मार्कशीट, ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगेगी। फिर 12th का मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा एंड फिर 12th किया होगा तो डिप्लोमा एंड 12th दोनों की मार्कशीट जो है वो लगेगी। बस अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट जो है वो आपको लगेगी, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ गाइस मैं आपको कुछ इनका इंपॉर्टेंस जो है वो भी बताऊंगा ताकि आप इनसे जो है वो मिस ना करो एंड एडमिशन के टाइम आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है गाइस फिर हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। तो अभी गाइस जो आप एमबीए में एडमिशन लोगे तो एमबीए हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स, ठीक है, एंड इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका अंडर ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस टाइम पे गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने फाइनल ईयर में होते हैं एंड फाइनल ईयर में रहने के टाइम ही अपने पीजी कोर्स के लिए मतलब सीईटी के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एंड इनकी फाइनल ईयर की जो एग्जामिनेशन है वो होना बाकी होती है। तो इस दौरान होता क्या है कि कभी कभी जो एमबीए की एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है बट स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो नहीं लगता है। तो उस टाइम स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि रिजल्ट ही नहीं लगा तो एडमिशन होगा या नहीं। तो देखो गाइस आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी आपका रिजल्ट लगेगा तो आपका जो रिजल्ट है वो पास रहना चाहिए। सपोज करते हैं कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट होने के ऑलमोस्ट एक या दो मंथ ऑलमोस्ट जो है वो लगता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो मंथ तो जो है वो लगेगा ही पूरे एडमिशन प्रोसेस को एमबीए के, ठीक है। तब तक भी अगर आपका रिजल्ट नहीं लगता है तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बट कॉलेज फिर आपको बोलेगा कि 15 या फिर 20 दिन के अंदर आपको अपना रिजल्ट जो है वो देना पड़ेगा। तब तक तो मैक्सिमम कॉलेजेस के पूरे महाराष्ट्र कॉलेजेस का लग जाएगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र का मैं कंफर्म नहीं बोल सकता बट महाराष्ट्र का लग जाता है, ठीक है। तो उस टाइम फिर आपको कॉलेज में रिजल्ट जो है वो देना पड़ेगा बट आपका जो रिजल्ट है वो पास होना चाहिए। बैकलॉग वगैरह लगता है तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए अपना फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दो ताकि आप आगे जाके एमबीए जो है वो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारा एमबीए सीईटी का स्कोर कार्ड। तो ये आपको जब आपका एमबीए सीईटी का रिजल्ट लग जाएगा तब आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना, ये आपको एडमिशन के टाइम काम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे हम टीसी भी बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपका यूजी वाला कॉलेज होगा मतलब अंडर ग्रेजुएट वाला कॉलेज होगा, उस कॉलेज से जब आप दूसरे कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज से आपको एक जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे हम टीसी बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लेना पड़ता है। एंड ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट के भी काफ़ी सारे जो लोचे हैं वो होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा दूसरे कॉलेज में तब तक हम आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं दे सकते। तो ऐसा भी होता है बट काफ़ी कॉलेजेस इसके जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब एडमिशन होता है तब आपको आपका पहला वाला कॉलेज जो है वो टीसी दे देगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, कभी भी कुछ भी रहा तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अब नेशनलिटी सर्टिफिकेट नाम का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मेंशनड हो कि आप इंडियन हो वो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा रहता है इंडियन, या फिर आपका टीसी होता है उसमें भी लिखा होता है, तो वो भी आप इसके जगह जो है वो दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर हमारा डोमेसियल। अब डोमेसियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि महाराष्ट्र के, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आपको सारे बेनिफिट्स लेना है तो आपको एक तो डोमेसियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये मैंशनड होगा कि आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये याद रखना, एंड इस डोमेसियल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट को देके आप काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हो, बिकॉज ये एमबीए सीईटी जो है वो महाराष्ट्र की एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एग्जामिनेशन होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ़ सीट्स महाराष्ट्र के लिए जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास ये इनमें से कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो आपको ये सारे जो बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे, एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्हें भी कम फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डोमेसियल नहीं है तो आप बनाने डाल दो, आपको अभी नहीं तो बाद में जो है वो काम आएगी। एंड सपोज आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें इंडियन मेंशन है एंड महाराष्ट्र भी मेंशन है तो तब भी आपको जो है वो लगेगा एंड आप इससे जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हो। बट अगर आपके पास डोमेसियल नहीं है एंड आप महाराष्ट्र से हो मैं बोलूँगा बना नहीं डाल दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हैं उन्हें कोई डोमेसियल वगैरह की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारा आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप पैन कार्ड भी रख सकते हो, दोनों में से कोई ना एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगेगा ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये गाइस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन के टाइम लगेगा। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र उन्हें डोमेसियल नहीं लगेगा, बाकी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैक्सिमम टाइम लग सकता है। इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है,
अगर उसके बारे में जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं डिटेल में वीडियो जो है वो बना दूंगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप बेनिफिट्स ले सकते हो, कैसे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जानेंगे, बट इसे बनाने की कोशिश कर लो, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थे ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। अब हम देखेंगे गाइस ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि लगेंगे कैटेगरी स्टूडेंट्स को, जिनकी कैटेगरी होते हैं उनको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो क्या है वो भी हम देखेंगे। बट उसके पहले गाइस, अगर आपको MBA CET के कॉलेजेस फाइंड करना है तो CET के ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट आती है, उसमें सारे कॉलेजेस जो है वो मेंशन रहते हैं, साथ ही में उनका जो कट ऑफ है वो भी रहता है। बट नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 350 के आसपास जो कॉलेजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे कितना कट ऑफ उसका जा रहा है। तो हमने गाइस आपके लिए एक जो सिंप्लीफाइड लिस्ट है वो भी बनाई है, जिसमें हमने हायर टू लोअर रेंज में जो कॉलेजेस है वो पूरे सेट करके रखे हैं, एंड इनका कट ऑफ के साथ साथ रैंक भी जो है वो डाल रखा है, ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओ। तो इसका यूज़ करके गाइस आप इजीली जो है वो कॉलेजेस फाइंड कर पाओगे, एंड आपको समझ में आएगा कि आपके परसेंटाइल पर आपको कौन सा कॉलेज जो है वो लग सकता है। साथ ही में इसके साथ हम लास्ट ईयर के भी जो कट ऑफ है वो भी दे देंगे, एंड आपको जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो भी आपको इस लिस्ट के साथ जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली अपने जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर सकते हो। ये लिस्ट गाइज आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप से जो है वो ले सकते हो, जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कि जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से एंड क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो लगेगी। तो कैटेगरी में गाइज सबसे पहले आता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तभी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं लगेगी। वहाँ पे डायरेक्ट एक ऑप्शन होता है OMS आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट, वो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगेगी, ठीक है। तो पहले कास्ट सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये सबसे बेकार डॉक्यूमेंट है, इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है एंड बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर दो, एंड एडमिशन के टाइम ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके आ जाए। नेक्स्ट है नॉन क्रिमिलियर, तो ये जनरली OBC के स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है, SC स्टूडेंट्स को नॉन क्रिमिलियर जो है वो नहीं लगता है। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी के हैं जिनका इनकम 8 लाख से या फिर उससे कम है तो उनके लिए ये EWS सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो एंड आपका इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, जब आप एडमिशन लोगे तो उस टाइम आप EWS से जब अप्लाई करोगे, एंड अगर आपका EWS के थ्रू एडमिशन होता है तो आपको 50% फीस का जो कंसेशन है वो मिलता है, तो ये आप बना सकते हो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, ताकि आपको कम फीस पे करना पड़े। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, ये भी ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है वो लगेगा। एंड नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट, ये ओपन स्टूडेंट्स को भी लग सकता है एंड कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी लग सकता है, बिकॉज अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 12th किया, 12th के बाद 1 साल का गैप लिया एंड फिर उसके बाद अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया, तो 1 साल का गैप आपको जो है वो दिखाना पड़ता है, तो इसके लिए गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगता है, ठीक है। तो ये है गाइस सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको एडमिशन के टाइम जो है वो लगने वाले हैं। इसके अलावा आपको अपनी जो फोटोग्राफ्स वगैरह वो भी लगेगी, तो वो तो सबके पास रहता ही है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो मैं मेरे ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको ये जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है एंड कौन से नहीं है। और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हो, जरूर ट्राई करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।